शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सभी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि महाराजगंज जनपद के रतनपुर नौतनवा ब्लॉक के सुकरौली प्राथमिक विद्यालय पर तीन तीन हैंडपंप लगे हैं, लेकिन तीनों खराब है, जिससे रेखा सहित कुल 83 बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में हैंडपंप नहीं है, 2 साल से खराब है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्लास में 2 हैंडपंप जल्द से जल्द लगवा दिए। आप लोग पानी पीने कहाँ जाते हैं? हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव के आदमी बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे नल पर मत पीने आना, खराब हो जाएगा। बता जाए स्कूल में क्या समस्या बा? पहले नंबर नल नहीं बा। कितना साल से नल नहीं बा? 2 साल से। तब लोग पानी भरे कहाँ जाए? गाँव में। तो परेशानी ना होला? परेशानी होला का नहीं, दूर जाए जलाया वाल जाला मुड़ी पर लेके बटली भर के लेके आवल जाला भीत जाए जाला। बच्चे पानी पीने कभी कभार पानी यहाँ से भर करके जो है वो है वाटर वाला टंकी है उसमें रखा जाता है, उसी से निकाल के बच्चे पीछे हैं पीते हैं, नहीं तो कभी कभार अपने ही घर से लाते हैं बच्चे पानी पीने के लिए। क्या कभी स्कूल प्रशासन ने बच्चों की समस्या को गंभीरता से लिया है? गंभीरता से लिया है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। दोनों नल है, दोनों नल का पानी खराब है, बालू देता है, मिट्टी देता है, पीने योग्य नहीं है, खाली बर्तन धुलाई के योग्य है। आप क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं 1 से लेकर 8 तक सभी स्वस्थ रहें, साफ सुथरा पानी पिए, हमेशा उनको अच्छा पानी मिलता रहे। चाहते हैं हमारे स्कूल में जल्द से जल्द 2 हैंडपंप लगवा दिया जाए। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस विद्यालय पर जल्द से जल्द हैंडपंप लगवाया जाए, ताकि यहाँ पे पढ़ने वाले सभी बच्चों की समस्या खत्म हो। मैं आपसे वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप महाराजगंज जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिनका मोबाइल नंबर 94-54-75-41 है, इस नंबर पर कॉल करें व आप हमारी मदद करें। मैं संजय कुमार जायसवाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहद के लिए।